जय हिंद, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज क्या होता है? देखिए, मेनोपॉज जो होता है, जो फीमेल जो होता है ना, फीमेल में एक पीरियड चलता है, फीमेल में एक पीरियड चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कुछ समय के बाद जो फीमेल में होता है बंद हो जाता है। कुछ समय जो हो जाता है निर्धारित समय, जैसे 45 से 50 ईयर के बीच में क्या होता है, बंद हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। 45 ईयर के बाद जो फीमेल है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे ओभम रिलीज नहीं होता है। ठीक है, देखिए, ओभम रिलीज तो मतलब लगभग 10 से 16 ईयर ओल्ड के बाद मतलब होता है। ठीक है, लड़कियों में, ठीक है, ओवुलेशन मतलब एक कर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस मतलब 10 से 16 ईयर के बीच में जब लड़की का एज होता है, उस समय मतलब क्या होता है, ओभम बनना शुरू हो जाता है, उस समय पीरियड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस समय से होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेनार्की। ठीक है, मेनार्की फेज, इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। जहां क्या होता है, मेनोपॉज यानी सब मतलब हार्मोनल चेंजेज वगैरह होता है, और क्या होता है, पीरियड इरेगुलर हो जाता है, इंडिकेट कर देता है, पीरियड इरेगुलर हो जाता है, इंडिकेट कर देता है कि हाँ अब मेनोपॉज होने वाला है, पीरियड्स बंद होने वाला है, यानी अब मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेनोपॉज के बारे में, जो लगभग 45 से 47 ईयर के जब फीमेल हो जाती है तो क्या होता है, ओवुलेशन एक बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कॉजेज के बारे में क्या होता है। देखिए, एक तो ये होता है एज हो जाता है जब 45 से 47 ईयर किसी फीमेल का, उसमें एक बनना बंद हो जाता है, यानी मेनोपॉज की समस्या हो जाती है। और दूसरे नंबर हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब हार्मोन है जो बहुत कम रिलीज होता है, मतलब एज बढ़ने के कारण उससे भी क्या होता है, एक नहीं बन पाता है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होता है। और जो तीसरा कारण है ओफोरेक्टोमी यानी ओभरी जो होता है, ओभरी का रिमूवल कर दिया जाता है, जिसके कारण ओभरी का रिमूवल कर दिया जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ओभरी में, ट्यूमर्स वगैरह ओभरी में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ओभरी को रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओफोरेक्टोमी। जब ओभरी को हम लोग क्या होता है, रिमूव कर देंगे, तो उस समय क्या होता, एग नहीं बन पाएगा। ठीक है, और हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को ही हटा देते हैं, यूट्रस को ही, किस इन्फेक्शन PID वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में, तो उसके उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको ही यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्टेक्टोमी। तो काउजेज हो गए, इसके कारण मेनोपॉज हो सकता है। ठीक है, तो सिम्टम्स, अगर आप में मेनोपॉज हो गया है तो सिम्टम्स, आपको आपका मेनोपॉज का एज हो गया तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिकेट करेगा क्या, इरेगुलर पीरियड चलेगा आपके अंदर, यानी इस मंथ पीरियड आया, अगले मंथ नहीं आया, फिर उसके अगले मंथ आया। ठीक है, ऐसा। और वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइना जो होता है, वेजाइना योनि जो होता है, ठीक है, योनि, योनि के अंदर ड्राइनेस रहेगा, पूरा इचिंग होगा, हवाएगा योनि, ड्राइनेस रहेगा। ठीक है, पूरा सूखा हुआ रहेगा, हॉट फ्लैशेस होगा, हॉट फ्लैशेस यानी गर्मी, मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा गर्मी, बेचैनी अंदर से रहेगा कि हाँ बहुत सारा गर्मी रहेगा, ठंडी भी रहेगा, चिल्स भी होगा। ठीक है, नाइट स्वीट्स, नाइट में सोने वक्त क्या होगा, पसीना आएगा, बहुत सारा पसीना आएगा, स्लीप प्रॉब्लम होगा, सोने में दिक्कत होगा, मूड चेंजेज होगा, कभी मतलब दूसरा ही मूड, कुछ करने का मूड नहीं करेगा, कभी मूड ऑफ हो जाएगा, ये सब मूड चेंजेज होगा। ठीक है, वेट गेन होने लगता है, महिलाओं का वेट गेन होने लगता है, जिसको मेनोपॉज होता है। ठीक है, स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जो मेटाबॉलिज्म सेल्स जो होता है, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण आप देखे हुएगा महिलाओं का चाम जो होता है, जो स्किन होता है, सिकुड़ने लगता है। ठीक है, स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण। ठीक है, थिनिंग बाल, हेयर्स, बाल जो होता है बहुत पतला होने लगता है फीमेल्स का जब मेनोपॉज होता है, ड्राई स्किन, स्किन आप देखिएगा ड्राइनेस टाइप का हो जाता है पूरे बॉडी का स्किन। ठीक है, लॉस ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब लॉस ऑफ ब्रेस्ट फुलनेस, जो ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट फीमेल्स का होता है, वो क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, यानी पूरा चाम मतलब चाम झूल जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। ठीक है, लॉस हो जाएगा, पूरा फुलनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण आपको देखने को मिलेगा मेनोपॉज को। तब मेनोपॉज के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, अगले वीडियो में हम न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आएंगे, तब तक लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।